हे स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल तन क्लासेस आप सबका स्वागत है इस चैनल में और जैसा कि हमने चैप्टर एक्सपेरिमेंट विद वाटर चैप्टर नंबर सेवन में हमने रीड किया था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि कैसे पूरी जो है वो फ्लोट हुई और फिर कैसे हमने लेमन को भी फ्लोट किया वाटर में अब राइट नाउ कौन सी चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं यानी कौन सी चीज़ें घुल जाती हैं डिज़ोल्व हो जाती हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि डिजोल्व वाटर में नहीं होती है तो लेट्स द टॉपिक द डिसॉल्व एंड वाट डिज नॉट यानी कौन सी जो हो जाए और जो ना हो सो बिफोर दिस टॉपिक लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स द टॉपिक ऑन संडे आयशा कजन ब्रदर हामिद केम टू होम हाउस टू प्ले यानी उसके घर खेलने के लिए है ना अब जब सं को जब इसके भाई खेलने आया एज सुन एज हीटर अवीट डिश राजस्थान में बनाया जाता है और बहुत ही फेमस uh, uh, ये स्वीट डिश है सो so, आम मी सैड लेट मीक बेग फ्रॉम द मार्केट मम्मा बोलती है कि मैं जब बाजार से आ जाऊंगी तब मैं इसको आप लोगों के लिए बना दूंगी सो देन आई विल मेक सम फॉर यू तो मैं जब बाजार से वापस आऊंगी तो मैं आपके लिए शक्त पारा बनू दूंगी वाई डोंट यू हेल्प मी आप मेरी हेल्प क्यों नहीं कर देते टेक टू ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट अ बाउल ऑफ शुगर इन इट यानी आप दो ग्लास लेना पानी के और उसमें क्या डाल देना है शुगर इन इट शुगर डाल देना है एंड मिक्स इट इट डिजोल्व और आप उसको डिजोल्व कर उसको मिक्स करते रहिए जब तक कि वो डिजोल्व ना हो जब तक कि वो पूरी तरीके से घुल ना जाए हमे हाँ थॉट फिनिश दिस वर्क फास्ट आई विल वॉच टीवी मैं जल्दी से इस काम को कर देता हूं ताकि मैं बाद में टीवी देख पाऊ तो हामिद उसको करने के लिए तैयार हो जाता है सम शुगर। क्या आपके पास ऐसे कोई दो उपाय है या कोई उपाय ऐसे है सम सजेशन है कि हामिद जल्दी से उसको डिजोल्व कर पाए व मैनी आइडियाज फॉर एग्जाम्पल स्टेयर एंड मिक्स थोड़ली यानी आप उसको स्टेयर उसको आप, आप घुमाते रहिए चम्मच को स्पून को तो वो उसमें घुल जाएगा या वॉम जो वॉटर होता है, है ना हॉट वाटर जो होता है वो उसके अंदर डाल दीजिए शुगर में तो वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा या फिर वॉम द मिक्सचर ओवर अ फ्लेम यानी आप पानी में डाल के उसको आंच के ऊपर रख दीजिए फ्लेम पे रख दीजिए तो वो उससे डिजोल्व हो जाएगा सो डू दिस एक्सपेरिमेंट आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है मेक ग्रुप ऑफ फोर फ्रेंड्स फॉर एक्सपेरिमेंट यू विल फोर और फाइव ग्लास ऑफ बॉल स्पून वाटर एंड थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल आपको जो टेबल में दिए हुई हैं टेक सम वाटर इन ईच ग्लास नाउ ट्राई टू डिजोल्व वन थिंग इन वन ग्लास ऑब्जर्व वाट है आप ये देखिए कि कौन सी चीजें घुल जाती हैं और कौन सी नहीं घुलती हैं और जो हो जाते हैं चेंजेस वो क्या होते हैं चेंजेस तो फर्स्ट थिंग है सॉल्ट अब सॉल्ट जो है डिड इट डिजोल्व और नॉट क्या ये डिजोल्व होगा और नहीं पानी में अगर हम सॉल्ट को डालते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर गॉट मिक्स टूगैदर ये मिक्स्ड हो जाएगा एंड कंप्लीटली वॉटर रिमाइंड ट्रांसपेरेंट और क्या चेंजेस आएंगे अब पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा सॉल्ट का लेकिन जो सॉइल है क्या सॉइल पानी में डिजॉल्व हो जाएगी तो इसमें क्या है सॉइल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ वॉटर यानी पानी के जो बॉटम है उसमें सॉइल नीचे बैठ जाएगी और क्या चेंजेस आएंगे दो मिनट के बाद में द वॉटर मडी यानी बहुत गुदलासा पानी हो जाएगा मटमैला पानी हो जाएगा साफ दिखाई नहीं देगा है ना एंड चौक पाउडर अगर आप चॉक पाउडर को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या वो हो जाएगा नो no, वो भी नहीं होगा डिसॉल्व क्यों क्योंकि चौक पाउडर सेटल डाउन एट द बॉटम वो पानी में नीचे बैठ जाएगा एंड वाटर क्या हो जाएगा वॉट चेंजेस आफ्टर टू मिनट्स टू मिनट्स के बाद में जो पानी है बिकेम वाइट वो वाइट हो जाएगा क्यों बिकॉज ऑफ चौक पाउडर द स्पून ऑफ मिल्क अब जो मिल्क है क्या वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा डिड इट डिजोल्व यस इट इज डिजोल्व एंड जो मिल्क है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा मिक्स टूगैदर And white. अब क्या हो जाएगा? Water become whitish, whitish color का हो जाएगा। And oil, did it dissolve or not? Oil जो है वो dissolve होगा? No, वो dissolve नहीं होगा। Because after two minutes के बाद में अगर हम देखते हैं, oil floats on the surface of the water. पानी के ऊपर वो float करेगा। तो oil never dissolve in वाटर यानी ऑयल कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता टेल कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर डिसॉल्व इन वाटर इफ नो व्हाई क्या आपको लगता है कि पानी में अगर हम नमक डालते हैं तो क्या वो डिसॉल्व होगा और अगर होता नहीं है तो क्यों नहीं होता नो no, इसमें पानी डिसॉल्व नहीं हो जो सॉल्ट है कैन नॉट बी सीन आफ्टर डिसॉल्व यानी पानी में जब सॉल्ट डिसॉल्व होगा वो हमें नहीं दिखेगा बिकॉज वाटर दिस इज बिकॉज सॉल्ट इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर यानी जो सॉल्ट होता है वो पूरे तरीके से घुलनशील होता है डिजॉल्व हो जाएगा पानी में इसलिए वो अब हमें दिखाई नहीं देगा डज दैट मीन दैट नाउ द वॉटर डज नॉट हैव सॉल्ट इफ इट हैज एंड देन वेयर इज द सॉल्ट आपको क्या लगता है जो पानी में सॉल्ट डिजोल्व हुआ है तो हुआ भी है या नहीं हुआ है और अगर अगर इफ इट इज हैज अगर हुआ है तो वेर इज तो अब क्या है नो इट दैट द वॉटर डज नॉट सॉल्ट ये अगर हमें दिखाई नहीं देता है इसका मतलब ये नहीं है कि पानी में नमक नहीं है इट डिजॉल्व इन वॉटर ये पानी में घुल चुका है पानी में मिल चुका है वॉट डिफ्रेंस डिड यू सी इन द वॉटर विद सॉल्ट आपको क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे वाटर अगर पानी में नमक में घुल जाता है एंड चॉक पाउडर और अगर पाउडर मिलाया जाए तो क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे आफ्टर कीपिंग फॉर टाइम कुछ देर रखने के बाद तो जो सॉल्ट है वो मिक्सड कंप्लीटली जो सॉल्ट है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा है ना विथ वॉटर वाइल चॉक पाउडर सेटल डाउन ऑन द बॉटम यानी बॉटम में चॉक पाउडर जो है वो नीचे पानी में बैठ जाएगा विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वॉटर बाय स्ट्रेरिंग विथ द क्लोथ सॉल्ट और चौक पाउडर अगर आप पानी में नमक और जो चॉक पाउडर है इन दोनों को घो डाल देते हैं मिला देते हैं तो अब क्या आप दोनों में से किसको छलनी से छान पाएंगे किसको कपड़े से छान पाएंगे क्या सॉल्ट छनेगा ये चॉक पाउडर तो जो सॉल्ट मिक्सचर है बेटा वो तो ऑलरेडी मिक्स हो चुका है इसमें तो वी कैन सेपरेट ओनली चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर बिकॉज द स्ट्रेनिंग विद अ क्लोथ यानी पानी जो पानी जो छाना जाएगा कपड़े से तो सॉल्ट तो वैसे ही डिजॉल्व हो चुका है लेकिन जो चॉक पाउडर का जो कण है वो बॉटम में बैठ जाते हैं और जब हम कपड़े से छानते हैं तो वो उस कपड़े में ही रह जाएंगे वाइल्ड इन द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हामिद हैड एन आर्ग्यूमेंट अब दोनों के बीच में बहस हो जाती है एक एक्सपेरिमेंट करते हुए आयशा फैल दैट आफ्टर स्टरिंग इट द ऑयल डिजोल्व इन वाटर आयशा को लगता है कि जब ऑयल जो होता है वो पानी में डिजोल्व हो जो हो जाता है एंड हा में डि नॉट अग्री हा में इससे अग्री नहीं होता ही सैड लुक एट दाइनिंग येलो ऑयल ड्रॉप कैन स्टिल भी सीन इन दॉटर वो कहता है देखो देखो अभी भी पानी के ऊपर येलो ऑयल जो है वो दिख रहा है आई शेल सेन सी हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं डू यू थिंक द ऑयल गेट डिजोल्व इन वॉटर आपको क्या लगता है कि पानी में वो हो जाएगा डिजोल्व नो इट इज नॉट बिकॉज क्या होगा आई थिंक दैट द ऑयल डिड नॉट डिजोल्व इन वाटर ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर एंड मेड इट टू बी थिंग्स और ऐसा आपको सरफेस जो है वो येलोइलोइ दिखेगा पानी में कभी भी ऑयल जो होता है वो डिजोल्व नहीं होता है अब राइजिंग ड्रॉप अब रेजिंग जो ड्रॉप होता है वो डाल के देखती है आयशा पुट टू ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन द लीड ऑफ अ टिफिन अपने टिफिन के टिफिन बॉक्स है उसके लीड पे उसके दखन पे वो डाल के देखती है नेक्स्ट टू दैट शी पुट टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड टू ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन और वो पानी डालती है और शुगर सॉल्यूशन डालती है शी टिल दीड और वो उसको टेढ़ा कर देती है थोड़ा सा टि ट है। अब वो कुछ देखती है कि कुछ तो बूंदे जो हैं वो रह गई हैं और कुछ उसी पे अभी भी चिपकी हुई हैं तो ऐसा क्यों है यू ऑल्सो ट्राई टू द सेम तेल वॉट ड्रॉप वैन वाई डिड ड्रॉप ऑफ वॉटर वैंड हैड बहुत जल्दी जो पानी की उसने फर्स्ट बूंद डाली है ये वाली ये बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी वाइल ऑन द अदर साइड द साइड फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ऑयल एंड शुगर सिरप स्टिक टू द टिफिन बॉक्स और जो शुगर सिरप है और जो ऑयल की ड्रॉप है वो उसी पे ही चिपकी रहेगी वेर डि द वॉटर गो और जो पानी होता है वो कहाँ चला जाता है भाई वन डे आयशा माधा पुट सम वाटर to boil on the stove of making tea उसकी मामा उसको स्टोव पे चाय बनाने के लिए बोलती है है ना तो पानी डालने के लिए बोलती है शी गॉट बिज़ी और आयशा की जो वन डे आयशा मदर अच्छा ओके okay, आयशा की मदर कुछ पानी पानी चाय बनाने के लिए बर्तन में डालती है एंड शी गॉट बिजी विथ समथिंग और वो कुछ और काम करने में बिजी हो जाती हैं एंड फॉर गट अबाउट इट और उसको भूल जाती है पानी को रख के वैंड इट शी रिमेंबर टू कैम टू चैक

चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगोज जैली इन द सन और जैसा कि हमने चिट्टी बाबू वाला जो चैप्टर पढ़ा था चिन्ना बाबू वाला कि वो जो मैंगो जैली बनाते हैं उसको सूरज की रोशनी में क्यों रखते हैं तो उसमें बाय ड्राइंग इन द सन तो हम बहुत सारी चीजें रखते हैं तो दे कीप देयर मैंगो जेली इन द सन सो दैट द वॉटर फ्रॉम द जेली कुड ओपरेट वो एपरेट हो जाता है पानी भाप बन के उड़ जाता है है ना वाष्पीकरण हो जाता है उसमें एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन आप अपने घर में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि धूप में रख के बनाते हैं तो बाय ड्राइंग इन माई हाउस वी मेड पापर पिकल पटेटो चिप्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स बडीज ऑल्सो थैंक यू फॉर और, और साथ ही साथ में डांडी मार्च अब जो डांडी मार्च वाला है ये तो हमारे टॉपिक में हमारे चैप्टर से कहीं रिलेटेड ही नहीं है कि ये डांडी मार्च कहाँ से आ गया है मार्च की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है कैसे दिस इंसिडेंट टूक प्लेस इन नाइनटीन थर्टी अब ये तो आप तो बहुत छोटे हो तो आपको अभी थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा कि 1930 में 1930 में, 1930 में ये घटना हुई इंसिडेंट घटा और इसमें क्या था इंडिया इंडिपेंडेंट जबकि हमें आजादी से पहले की बात है ये फॉर मैनी लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सोल्व दैम सें और लोगों को ब्रिटिश ने अलाउ नहीं किया था कि वो खुद से नमक बनाए सो देसो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट और उन्होंने टैक्स लगा दिया

वहां से दांडी यात्रा शुरू करी और शीशोर इन गुजरात गुजरात के शीशोर के पास में है जो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉ और उसके खिलाफ खड़े हुए गांधी जी डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मैड आपको पता है कि सॉल्ट कैसे बनता है द सी वॉटर इज कलेक्टेड द सी वॉटर कलेक्टेड इन टू सोल बैट्स डग इंटू द सैंड यानी बहुत बड़े बड़े खड्डे खोदे जाते हैं एंड वाटर इज अलाउडेड टू ड्राई इन द सन और जब उसने खड्डे खोद के पानी भर दिया जाता है और कलेक्ट कर दिया जाता है पानी तो वाटर इज अलाउडेड टू ड्राई इन द सन जैसा कि चिन्ना बाबू वाले चैप्टर में हमने मैंगो जैली बनाई थी ठीक उसी तरीके से हमने बड़े बड़े खड्डे कर कर उस पानी को सूखने के लिए रख दिया आफ्टर द वॉटर ड्राइज और जैसे ही वो पानी सूख जाएगा द सोल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड और ग्राउंड पे क्या रह जाएगा सोल्ट रह जाएगा सो वॉट आर इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द सोल्ट मेकिंग यानी हमने सोल्ट कैसे बनाया इसके बारे में भी हमें बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी पता चली कि गांधी जी ने कैसे प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द लॉ ब्रिटिशज़ के और फिर हमने हमारा खुद का सॉल्ट हमारे घरों में बनाना शुरू करा सो दिस इज़ द चैप्टर कंप्लीट फ्रॉम माई साइड थैंक यू एंड गुड डे